हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम के पहले अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, हाउ टू रिवाइज फुल सिलेबस ऑफ नेट एग्जाम बिफोर एग्जामिनेशन। तो ये 5 स्टेप्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा सिलेबस अगर आपने अभी तक नहीं कवर किया हुआ है तो आपको एग्जाम के पहले कवर करना है, और किस तरीके से आप फाइनली प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी पहली स्टेप। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सारे सिलेबस को यूनिट वाइज डिवाइड करना है, और उसके साथ साथ अपना टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है एग्जामिनेशन से पहले तक। तो देखिए, टाइम कैलकुलेट करने से क्या होगा कि हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम हो, कोई हो सकता है कि 3 दिन का टाइम हो, तो आवर्स में आप इनको कैलकुलेट करेंगे, इस टाइम को आप आवर्स में कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि आप किस तरीके से, मतलब आप किस तरीके से इसको पूरे यूनिट को आप डिवाइड कर सकते हैं और किस तरीके से यूनिट वाइज आप चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए, 10 यूनिट्स हैं आपको पता है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, अपने आवर्स को डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 आवर्स हैं, तो हर एक यूनिट को आपको 1 आवर देना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सेकेंड स्टेप जो हमारी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो आपकी हार्ड यूनिट है उनको आपको पहले रिवाइज करना होगा, और जो आपकी ईजी यूनिट्स हैं या स्मॉल यूनिट्स हैं उनको आपको बाद में रिवाइज करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपका RC का। तो RC एक ऐसी यूनिट है जिसपे अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो लास्ट के टाइम पे आपको प्रैक्टिस करके कुछ खास अंतर नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में, जब मैं प्रिपरेशन वीडियोस बना रही थी तब मैंने बोला था कि RC आपको डेली एक सॉल्व करनी है। तो अगर आपने वो चीज़ फॉलो नहीं किया है तो अभी क्या करना है कि वो RC का 1 आवर जो है वो आप थोड़े से जो हार्ड यूनिट है उनमें दे सकते हैं। जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, अगर आपका मैथ्स वीक है, या फिर आपका उसके अलावा आपका मान लीजिए पीपल एंड एनवायरमेंट आपका वीक है, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं वो 1 आवर। और RC के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने जो ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है, जो आपने प्रैक्टिस की हुई है, बस उसी को आपको एक बार गो थ्रू करना है और आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे RC के लिए। उसके बाद देखिए, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया जिसमें हमें क्या करना है, रिवीजन करना है यूनिट वाइज, जिसमें हम हार्ड पहले करेंगे और जो इजी यूनिट्स हैं हमारी, जो बचे हुए यूनिट्स होंगी उनको हम बाद में कवर करेंगे। नेक्स्ट, आपको किस तरीके से इस रिवीजन को स्टार्ट करना है। तो देखिए, रिवीजन को स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आपने अगर पहले कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो उन नोट्स को एक, मतलब कह सकते हैं कि जो एक क्विक रीडिंग होती है, क्विक रीडिंग कर लीजिए, उसके अलावा पूरा गो थ्रू कर लीजिए उन नोट्स को। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, आपने कोई क्रैश कोर्स लिया था, कोई भी कोर्स लिया था, तो उसके जो नोट्स हैं उनको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपने वो भी नहीं लिया था, आप कोई भी कोर्स नहीं लिए हुए हैं, तो मैंने अभी एक लिंक एक्टिव किया है, ठीक है, डिजिटल स्टोर पे एक आपको एक नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है। ये जितना भी थ्योरी पार्ट है वो उसमें कवर्ड है, क्विक रिवीजन नोट्स है, 150 रुपीज़ की प्राइस है, बहुत ही लेस प्राइस में ये नोट्स अवेलेबल हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं और वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और इसके लिंक के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं नोट्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस की। देखिए, एग्जाम का टाइम है, डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको हो रहा हो, तो आपको इन सारे डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे फिजिकल डिस्ट्रैक्शन हो, इनसे दूर रहना है। अगर आपको लगता है कोई पर्सन है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है या करती है, तो उससे बात मत कीजिए कुछ दिन तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन पर, तो इनको अभी आप कुछ दिन तक बंद कर दीजिए, इनको यूज़ मत करिए। क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, आपको यूट्यूब यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते हैं, एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं कि क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर बने रहिए, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपका टाइम किल होता है, उनको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि डिस्ट्रैक्शन से अवे रहिए, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आइसोलेट रहना है, आइसोलेट मत रहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर आप आइसोलेट रहते हैं तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं।
आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, तो वो आपके एग्जाम के लिए सही नहीं होगा। एग्जाम में आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको बहुत ज़्यादा फुल ऑन एनर्जी में रहना है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अगर आप अपने आपको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए आइसोलेशन नहीं चाहिए हम आपको, बस आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आप मोटिवेटेड रहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव स्लोगन्स पढ़िए, पॉजिटिव कोट्स पढ़िए, मोटिवेटेड फील करिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। एग्ज़ाम से पहले अपने आप को ट्रस्ट करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अभी तक प्रिपरेशन की है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑफकोर्स आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम के लिए। आप पॉजिटिव चीज़ों में ध्यान लगाइए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, उनसे बात करिए। तो आई होप आप सब एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए होंगे, और अगर थोड़ी बहुत भी आपको कसर बाकी रह गई है, अगर आपने अभी तक नहीं प्रिपेयर हुए हैं कम्प्लीटली, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और इन सारे मेथड्स के थ्रू आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप आप सब अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने रिजल्ट्स हमें, अपने अच्छे रिजल्ट्स हमें कन्वे करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। आगे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।